नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम डिस्कस करते हैं एसएससी सीजीएल टायर वन 2017 में पेपर आया था, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये पेपर है वो एवरेज लेवल का है और इसमें आपको 25 मिनट से कम टाइम में ये सोल्व करना होगा और कम से कम आपका 24 क्वेश्चन जरूर करेक्ट होना चाहिए। इसमें दो तीन क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी ध्यान देने की जरूरत है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, अगर इसको इससे भाग दिया जाता है, 35 से भाग दिया जाता है तो क्या होगा? या तो 6 4 बचेगा या 9 बचेगा रिमाइंडर, तो इसमें 4 तो है नहीं, 9 है, तो इसका आंसर सी होगा। वरना आप भाग देकर भी देख सकते हैं, 6 7 2 9, 35 से भाग देंगे तो क्या होगा? 7 में 5 के 2 3, और फिर जाएगा 9 पे 9 45, 9 3 27 8 4 31, 7 पे और 35 2 70। तो आप सीधा भी देख सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वरना आपको इस यूनिट डिजिट से भी पता चल जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी कैन फिनिश ए जॉब वर्किंग अलोन। ए किसी काम को 72 दिन में करता है, बी करता है 24 डेज में, सी करता है 30 डेज में, बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम मान लेते हैं 72 यूनिट। एक दिन में ये एक यूनिट करेगा, ये एक दिन में 3 यूनिट करेगा, ये एक दिन में 2 यूनिट करेगा, 72 डिवाइड बाई 36, 2 यूनिट करेगा। तो 3 दिन में, 1 दिन में दोनों तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3 2 5 6 यूनिट। समय कितना लगेगा? 12 दिन लग जाएंगे उस कंप्लीट काम करने में। अगला क्वेश्चन है, एरिया फोर वॉल्स ऑफ ए क्यूबॉइड इज 448 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 18 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि ब्रेथ कितनी होगी। तो क्या होता है फॉर्मूला? एरिया ऑफ फोर वॉल्स का होता है पैरामीटर इंटू हाइट, और पैरामीटर क्या होता है? 2l + b, ये पैरामीटर होता है, हाइट ये एरिया होता है, जो कितना दिया हुआ 448, ये 2 हो गया, l कितने दिया हुआ है 18, और b हमें दिया हुआ नहीं है, और h दिया हुआ 8, 8 2 16, 16 2 32, और 8 4 12, 16 28, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 - 18 10 वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर क्या हुआ? 10 हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, इफ 10% डिस्काउंट, एट 10% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4500, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द डिस्काउंट इज 27.5%। देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 4500 और डिस्काउंट कितनी है 10%, 100/90 कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा MRP। अब बोल रहा है कि इस पे अगर हम 72.5% डिस्काउंट दें, मतलब कि 72.5% इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 100 में से कितने गए तो सेलिंग प्राइस रह गया, तो कितना हो जाएगा? डेसिमल की जगह मैं 10 लिख देता हूं, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 2 0 और 2 0 ये, और 5 5 5 25 5 2 10 11 5 3 35 6 5 5 25 5 2 10 12 और 5 3 35 6 36, 3625 इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल क्या होगा, चतुर अनुपातिक क्या होगा इसका, वो हमें बताना है। क्या होता है 72 168 और 150 और x, ये हमें बताना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 72x = 168 × 150, तो कितना हो जाएगा? 24 3 72 और 24 7 50, x की वैल्यू आ जाएगी 350। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 11 एंड 80 विच आर डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल कौन सा होगा? तो पहला, सबसे पहले तो 12 होगा, आखिरी क्या है 78 होगा आखिरी, 13 6 78 होता है। तो पहला अक्षर और आखिरी अक्षर दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो ये एवरेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 78 और प्लस 12 90 90 बाई 2 55, आंसर क्या हुआ? डी। ए ट्रेडर हैड 960 केजी ऑफ राइस, ही सोल्ड ए पार्ट ऑफ इट एट 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 8% प्रॉफिट, सो दैट ही मेड ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 12%, हाउ मच राइस डिड ही सेल एट 8% प्रॉफिट। देखो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, फिर दूसरे 8 पे बेच रहा है, और मिक्स करके 12 पे बेच रहा है। एलिगेशन से हम इसको निकालेंगे, 20 में से 12 गए 8, तो 1 और 2 की रेशियो, 1:2, ये क्वांटिटी है इसका रेशियो, 8% वाला हमें बताना है। तो 8% अगर टोटल 3 है तो 8 वाला 2 है, 2/3 × 960 कितना आ जाएगा? 32 32 64, 640 इसका आंसर हो जाएगा। 640 क्वांटिटी है, 8% वाली और 20% वाली, 960 में से 640 गए,
ये उसकी हो जाएगी 320। अगला क्वेश्चन है 40% ऑफ एक्स, 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और हमें बताना है वाई परसेंटेज ऑफ 40, वाई परसेंटेज ऑफ 40, वाई परसेंटेज का मतलब वाई बाय 100 इंटू 40, ये कितना होगा। तो मैं दोनों तरफ ये कर दूं 40 बाय 100, क्योंकि वाई की वैल्यू ये इतनी थी और वाई का हमें करना है 40 बाय 100, तो इसका कितना, एक्स का कितना परसेंट होगा, सेम एज एक्स पर का कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये इससे कैंसिल, ये इससे, 16/100 मतलब 16% ऑफ एक्स है वो वाई परसेंटेज ऑफ 40 होगा, वाई परसेंटेज ऑफ 40 हो जाएगा, आंसर क्या हुआ ए। अगला क्वेश्चन है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ ए बस इज 72 किलोमीटर पर आवर, इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 60 किलोमीटर पर आवर, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, एक घंटे में कितना, तो एक घंटे में जो दूरी तय करती है उसका डिफरेंस कितना है, 12 किलोमीटर। इसका मतलब 12 किलोमीटर की जो स्पीड है नॉर्मल गति से जो चल रही है उसके बराबर टाइम लिया है इसने, दूसरे शब्दों में कि 72 किलोमीटर जाती है 60 मिनट में, तो 12 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगी, 60 बाय 72 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 10 मिनट का एक्चुअली उसने ब्रेक लिया है। दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि 12 किलोमीटर किसके बराबर है, 10 मिनट के बराबर है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं ना, 12 किलोमीटर है वो 10 के बराबर है, तो बेहतर किसके बराबर होगा, 10/12 × 72 एक घंटे में कवर होगा। तो आंसर क्या, क्वेश्चन क्या था, पर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर मिनट, कितना स्टॉप करेगी, 10 मिनट स्टॉप कर रही थी, 12 किलोमीटर स्टॉप कर रही थी मतलब 10 मिनट। अगला क्वेश्चन है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दैट कैन बी अर्न इन 2 ईयर्स एट द सेम रेट इज 1500 एंड 1575 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो लगाया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल में सेम रेट है वो 1500 रुपये और 1575 बनता है। देखो एक साल में कितना बनेगा 750, दूसरे साल में 750, तभी तो 2 साल में 1500 बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में बराबर होते हैं, दूसरे साल में कितना बनेगा, इसमें से 750 माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा 825। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे साल में जो इंटरेस्ट बना है वो कंपाउंड इंटरेस्ट 825 है, कितना ज़्यादा है, 75 रुपये ज़्यादा है इसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि 75 रुपये इसके ऊपर इंटरेस्ट बन रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना आया है, 75, किसके ऊपर आया है, 750। आप बोल सकते हैं कि 75 रुपये ब्याज बना है किसके ऊपर, 75 रुपीज के ऊपर, 750 के ऊपर, 100 पे कितना होगा ये, तो कितना होगा, 10% आ जाएगा, 10% इसका आंसर होगा। आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, सी आई इज इक्वल टू एस आई और 1 + R/200, ये 2 साल के लिए फॉर्मूला होता है। सी आई कितना है, सी आई है 1575 और एस आई कितना है 1500, कितना हो जाएगा ये 100 आ गया यहाँ पे और ये 105 आ जाएगा, 21/20 आ गया, ये इस साइड ले गया मैं, -1 R/200 के बराबर होगा, मतलब कि 1/20 है वो R/200 के बराबर है, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 61, ये दिया है 7 और 5x/3 और -3/2 और ÷2 और +3/2 इज इक्वल टू 1/4, हमें x की वैल्यू निकालनी, तो कितना है यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा मैं तो 6, 10x और -9 और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 7/2, 2 यहाँ पे करूंगा तो 6 × 12 हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 - 3/2, ये कितना हो जाता है 4 यहाँ पे होगा, तो 1 - 6 5/4 माइनस का, 10x - 9 किसके बराबर हो जाएगा, -5/4 इंटू 12/7 साइड चला जाएगा, 4 × 12 -15/7 ये हो जाएगा इसकी वैल्यू, 10x 9 इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और -15/7 तो कितना हो जाएगा, 7 यहाँ पे 963 और -15 48/7, तो 10x है वो 48/7 है, x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2 × 5 = 10 = 24, x इज इक्वल टू 24/35 आ जाएगा
एक्स की वैल्यू, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू 19, ए बी इज इक्वल टू -6, तो हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, वरना आप देखिए ए प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए 3 प्लस बी 3, ये फॉर्मूला होता है 3ab और a प्लस बी, यहाँ पे दिया हुआ है 19 और यहाँ पे दिया हुआ है 3ab, ab कितना -6 और a प्लस बी और इस साइड है a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब। तो देखिए अगर मैं यहां से देखूं a प्लस बी अगर 1 रखता हूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 - 18 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो a प्लस बी हमें निकालना है, a प्लस बी 1 होगा। ऑप्शन से आप देख सकते हैं, कॉमन ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, वरना यहाँ पे भी सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये कितना -6, 3 और -2 -6, 3 की पावर 3 और प्लस माइनस या प्लस -2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 में से 8 गए 19, तो आप ऐसे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए 3 है, बी -2 है, तो 3 - 2 कितना हुआ 1, तो वैल्यू पुट करके कर सकते हैं या आखिर में कॉमन ऑब्जर्वेशन से आप कर सकते हैं। सम ऑफ 4 टाइम्स ए फ्रैक्शन, अगर मान लो फ्रैक्शन x है तो 4 टाइम्स ऑफ दिस 6 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, प्लस सम दिया हुआ है ना, सम 6 × 1/x इज इक्वल टू 11, ये दिया हुआ है कि 4 टाइम्स है फ्रैक्शन का, वो उसका जो उल्टा है उसका 6 गुना करें तो 11 बन जाता है। तो बताओ, या तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं पूरी सोल्व करें, वरना क्या है ऑप्शन से करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को। तो अगर मैं पहला ही ऑप्शन रखता हूँ 3/4, तो 4 × 3/4 कितना 3 हो जाएगा, और ये 3/4 करेंगे तो ऊपर 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 11, तो पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि 4 × 3/4 ये तो हो जाएगा यहाँ पे, और 6 × 3/4 तो ये 8 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से कर देना चाहिए। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ थर्ड टर्म इज -13 एंड सिक्स टर्म इज -4। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, सम बताना है हमें, और थर्ड टर्म -13 है, सिक्स टर्म है -4, तो देखो ये कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब तीन टर्म का डिफरेंस नो है तो एक का 3 होगा, मतलब डिफरेंस 3 हो जाएगा, वरना आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर मेरी बात ये समझ में नहीं आई है, a प्लस 2d इज इक्वल टू -13 और ये है सिक्स टर्म, a प्लस 5d इज इक्वल टू -4, ये a क्या है फर्स्ट टर्म और d क्या है डिफरेंस, अगर इन दोनों का डिफरेंस करूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3d इज इक्वल टू 9, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वरना कॉमन सेंस से कि 13 में से 4 गए और ये कम हो रहा है तो प्लस में ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 3 का डिफरेंस है तो 3 इज इक्वल टू 9, 1 3 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, डी की आगे क्या करना है, फिर डी की वैल्यू आ गई 3, 3 दूनी 6, तो ए और प्लस 6 इज इक्वल टू -13 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -19। अब ये हमारे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया, हमें बताना है कि सम कितना है 12 टर्म्स का, हमें 12वीं टर्म नहीं पूछी है, 12 टर्म का सम पूछा है, तो हम क्या करेंगे, तो क्या फार्मूला होता है, सम इज इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस एल डिवाइड ए प्लस एल, तो एन बाई टू, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 12, 12 बटे में 2 6, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या -19 और आखिरी संख्या क्या है, आखिरी संख्या हम कैलकुलेट करेंगे, आखिरी संख्या मतलब 12वीं टर्म क्या है, तो 12वीं टर्म कैसे होगी a प्लस 11d, ये 12वीं टर्म हो जाएगी, और a कितना है, a है -19 और 11 × 3 = 33, तो -19 प्लस 33 कितना हो जाएगा 14, तो आखिरी टर्म 12वीं टर्म क्या है 14, तो कितना हो जाएगा 6 × -5 30 हो जाएगा, -30 इसका टोटल सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ 0.52 इन द लाइन x इज इक्वल टू -3, तो -3 की साइड होती है प्लस होता है, इस साइड माइनस होगा -3, इस बात यहाँ पे रिफ्लेक्शन बताना है, यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन बताना है किसका, इस बिंदु का 5 और 2 है, ये x और ये y दोनों पॉजिटिव है, ये x लगा दे यहाँ पे और y, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5 और 2, और इसका इस पे रिफ्लेक्शन बताना है, मतलब कि यहाँ पे अगर कोई परछाई पड़ेगी तो ये कहाँ पे नजर आएगी, तो इसके पीछे इतनी दूरी पे आएगी नजर जितनी ये है, और ये कितनी है 5, तो यहाँ तक थी और
तीन यहाँ पे है, क्योंकि हम माइनस तीन है, तो ये 5 और 3 8 ये है, तो इससे 8 कितनी दूरी होगी, 3 यहाँ पे थी, 8 11 पे हो जाएगी, -11 क्योंकि साइड तो माइनस ही है, -11 तो एक्स हो गया, और वाई कितना, वाई तो इतना ही रहना है क्योंकि जो बिंदु ये है इसी की तो परछाई पूछी है, तो ये तो इसके पैरेलल ही होना है, तो -11 और 2 आंसर क्या हो जाएगा ए। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर ए बी एंड सी, क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट बताना है सेंट्रोइड का, देखो ये ट्रायंगल है और इसका कोऑर्डिनेट बताना है ये वाला, तो क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला x1 x2 x3 / 3, ये x की वैल्यू आ जाएगी सेंट्रोइड की, और y1 + y2 + y3 ये आ जाएगी y कोऑर्डिनेट की सेंट्रोइड की वैल्यू, तो ये x है x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3 और ये y3, तो कितना हो जाएगा, एक x2 कितना 4 और x3 कितना -2 / 3, और y कितना है, y है ये -5, फिर है 0 और फिर है +2 / 3, तो 4 × 5 = 3, 3/3 ये आ गया 1, -5 + 2 ये कितना हो जाएगा -3/3 -1, तो 1 और -1 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितना ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज -4/3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो क्या फॉर्मूला होता है स्लोप का, स्लोप का होता है y2 - y1 है, y2 - y1 एंड x2 - x1, ये स्लोप आ गया, स्लोप कितना दिया है -4/3, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो y2 = 3 - y1, y कितना है -, -+ हो जाएगा, तो 5 और 3 8 हो गया, फिर है x2 कितना है -5 और x1 कितना है, ये x - x, ये x दिया हुआ है तो यहाँ पे x लग जाएगा, -x हो गया, -4/3 हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि ये 8 होगा, 8 तो कितना हो जाएगा, ये 4 × 8 यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, तो 3 और इस साइड आएगा तो 6 हो जाएगा, 6 = ये माइनस का है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस करने के बाद में -5 और -x कितना बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 5 + x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 - 5 = 1, x की वैल्यू आ गई, हमें निकालनी थी x की वैल्यू, वो आ गई 1, डी इसका आंसर होगा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी इफ ए डी इज रेशियो डी बी, वो किसके बराबर है, 2:5 के बराबर है, और एरिया है ए डी का 8 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है रेशियो क्या हुआ ए डी ई और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, मतलब कि डायग्राम एक बार बनाता हूँ फिर दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं, ए बी और सी दो पॉइंट है, एक डी है और एक ई है, ये पैरेलल लाइन है किसके, इसके पैरेलल है, रेशियो दिया हुआ है ए डी का 2 और डी बी कितना है 5, इसका टोटल ये कितना हो जाएगा 7, और ए डी ई, ए डी ई इसका एरिया दिया हुआ है कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और हमें बताना है ए डी का रेशियो इसका और डी डी बी सी ई इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया का रेशियो हमें बताना है, क्या फार्मूला होता है, जो ट्रेंगल दो सिमिलर ट्रेंगल है ए डी ई और ए बी सी, इस ट्रेंगल में क्या है कि एरिया इसका ए डी का और ए बी सी का एरिया, एरिया ए बी सी इज इक्वल टू साइड का स्क्वेयर, कोरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वेयर, तो ये कितना, ये साइड 2 है, 2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4, और इसका साइड कितनी है 7, 7 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 49, तो ये आ जाएगा, अब इसका एरिया आ गया किसका, ए बी सी ट्रेंगल का, वो कितना हो जाएगा 49, यहाँ पे मैं काट देता हूँ 49 × 2 = 98 एरिया आ जाएगा किसका, आ जाएगा इस पूरी ए बी सी का, अगर ये पूरी का 98 है, ये 8 है, ये कितना हो जाएगा 90, ये 90 हो जाएगा, 8 और 90 ये रेशियो आ गया, ये 8 है और ये 90 है, मतलब कि अगर मैं 2 से भाग दूँ तो ये 4 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 45 × 90 = 8, 4 × 45 इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें बतानी है √2, तो यही हो गया सीकेंट 45, देखो cos 45 1/√ होता है
और सीकेंट उसका उल्टा होता है तो ये रूट टू हो जाएगा, मतलब कि दो ये हो गया, दो माइनस टेंजेंट 30, टेंजेंट होता है 1/√3, तो ये कितना बन रहा है, टू रूट थ्री माइनस वन, 2√3 − 1 डिवाइड बाई 3, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए बी सी इज ए राइट एंगल एट बी, ए बी सी, ए बी और सी ये राइट एंगल है बी पे, ए दिया हुआ है 60 डिग्री और ये 90 डिग्री है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो सी कितना होगा, सी 30 होगा, ये 60 है ये 90 है, ये 30 हो जाएगा, हमें इसी की वैल्यू कोसेकेंट इसी की वैल्यू बतानी है, 1/√3 तो ये है ही है, ये है ही है, तो कोसेकेंट सेकेंट कितना होगा, कोसेकेंट सी देखो साइन होता है ये बटे में ये, तो देखो अगर टेंजेंट 30 ये बटे में ये टेंजेंट होता है, टेंजेंट 30 कितना 1/√3, तो इसका मतलब ये 1 है तो ये और √3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर के बराबर होता है, तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, √3 आ गया, 2 आ गया, हमें बताना क्या है, ये हमें बताना है कोसेकेंट, कोसेकेंट क्या होता है, ये साइन होता है 1/2 कोसेकेंट 2/1 होता है, 2/1 इसका मतलब 2/√3 इसका आंसर हो जाएगा, 2/√3 ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 25/7, तो हमें कोट की वैल्यू बतानी है, देखो कोसेकेंट क्या होता है, कोसेकेंट होता है ये 25 होगा, ये 7 है, ये बटे में ये कोसेकेंट होता है, तो 7 = 24 = 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, कोट कितना होता है, कोट होता है 24/7, मतलब ये बटे में ये कोट होता है 24/7, डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, बार ग्राम शोज एनुअल इन्फ्लेशन इन टू ईयर्स 2015 एंड 16 ऑफ ए फोर कंट्रीज, चार देशों का इन्फ्लेशन 2015, ये 2015 है नीले वाला और लाल वाला है 2016, हमें बताना है कि इन विच कंट्री इन्फ्लेशन इन 2016 वाज लोअर देन दैट ऑफ प्रीवियस ईयर, इस देखो इसमें ज्यादा है प्रीवियस ईयर की तुलना में, इसमें बराबर है इसमें कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इसमें ज्यादा है, तो 2016 में 2015 की तुलना में इन्फ्लेशन कम है, आंसर क्या, सी, सी इसका है ए का। अगला क्वेश्चन है बाय व्हाट परसेंटेज इन्फ्लेशन इन 2016 वाज ग्रेटर देन इन्फ्लेशन इन 2015 इन कंट्री डी, दिस इज कंट्री डी, और 2015 में इन्फ्लेशन थी 2 और 2016 में 5, तो कितने परसेंटेज ज्यादा है, कितने परसेंटेज ज्यादा है, तो कितनी है, 3 है 2 के ऊपर, 100 पे कितना होगा 50 थी 150, 150% ज्यादा है, सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इन द ईयर 2015 व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन्फ्लेशन इन कंट्री सी टू कंट्री ए, कंट्री सी 2015 की बात कर रहे हैं नीले वाले की, कंट्री सी में है 8 और कंट्री ए में कितना है, कंट्री ए में है 4, तो 8:4 मतलब 2:1 रेशियो होगा, आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, इफ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड एज इंक्रीज इन प्राइस इंडेक्स एंड प्राइस इंडेक्स वाज 200 इन बिगनिंग ऑफ 2015, ये बिगनिंग में है 2015 के और कंट्री डी में, तो बताना है कि व्हाट इज द इंडेक्स एट द एंड ऑफ 2016, 2015 की शुरुआत में कितना है 200 और एक साल में कितना बढ़ा, 2% बढ़ गया, मतलब 4 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 204 हो गया, अब इसके ऊपर 5% बढ़ता है, हमें बताना 2016 के आखिर में, तो 5% कितना हुआ इसका, 5% हो जाएगा 5 × 20 और 5 × 2 = 10, 10.25, ये इतना बड़ा, तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 214.20, ये इंडेक्स हो जाएगा 2016 के आखिर में 214.20, डी इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन पूरे कर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।